हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो वो सेट कंप्लीट हुआ? यप। आई थिंक नेक्स्ट वाली हमें करनी चाहिए। हाँ, लेकिन सबसे पहले बताओ आज तुम मूवी देखने जा रहे हो ना? एक्चुअली क्या है ना मैम, जो आज का पेड प्रीव्यू शो था उसका तो टिकट मिला नहीं, लेकिन कल पक्का जा रहा हूँ मैम। पक्का? क्या शानदार प्रोमो बनाया मैम, फिल्म सुपर हिट होने वाली है। फिंगर्स क्रॉस्ड। सर, कहिए सर, क्या बात है? वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। शायद तुम ये शादी किसी दबाव में तो नहीं कर रही हो ना? नहीं सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे सारे फैसले, तुम्हारी बातें मुझे तुम्हारे नहीं लग रहे हैं। ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती तुमसे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रेया, तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो तो ये अलग बात है, पर कुछ तो है जो तुम्हें मजबूर कर रही है शादी करने के लिए, और मैं तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करता हूं। बस मैं ये जानना चाहता था कि तुम ये शादी अपने खुशी से कर रही हो, ना कि किसी के दबाव में आके। एक दोस्त होने का इतना हक तो बनता है मेरा, इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। नहीं सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, वो मास्क पहने हुआ था।
समझ नहीं आ रहा है कोई मुझे क्यों मारने की कोशिश करेगा। सर, जब बिपाशा जी काफी देर तक चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आई तो मैं चेंज रूम तक गया। मैंने देखा सर कि अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। तब मैं अंदर गया लेकिन वहां कोई भी नहीं था सर। बिपाशा जी बाथरूम के अंदर लॉक थी। आज कोई अनजान आदमी जिम के अंदर आया? नहीं सर। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी सर, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, मास्क वाला कोई भी आदमी अंदर नहीं आया और जितने भी लोग अंदर आए वो सब क्लब के मेंबर्स हैं। अच्छा, क्यों कोई खिड़की वड़की से तो नहीं आ गया? हो सकता है सर। विभाषा जी ये बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई अनबन? ऐसा तो कोई भी नहीं है। कुछ तो है विभाषा जी, वरना कोई आपको क्यों मानना चाहेगा। अच्छा याद कीजिए, आपके साथ हाल फिलहाल में कोई अजीब घटना घटी हो? हाँ, कल रात को जब मैं शूटिंग से लौट रही थी तो मुझे दो लोग दिखे थे, एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी के पास। मैंने गाड़ी रोक के उन्हें हेल्प करने की कोशिश की। क्या कुछ मदद चाहिए? हमें कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन उन लोगों ने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। आपको उनमें कुछ अजीब लगा? हाँ, एक के कंधे पे चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था और उन लोगों का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था, जैसे कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ, डिक्की के पास कुछ लगा हुआ था, शायद खून। खून? मतलब कोई गुनाह छिपाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग? उन्होंने आपको देख लिया और उन्हें लगा कि आप गवाह बन सकती हैं, इसलिए आपके पीछे पड़े हुए हैं वो लोग। वो दोनों दिखने में कैसे थे? बहुत रात हो चुकी थी और वहाँ ज़्यादा देर रुकना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं ठीक तरह से आपको बता नहीं पाऊँगी कि वो लोग कैसे दिखने में थे। ठीक है, अब हम आपके पास एक स्केच आर्टिस्ट भेज देंगे, आपको जो कुछ भी याद है एक रफ स्केच बनवा दीजिएगा उसका। जी। बिपाशा जी, आपको उस गाड़ी का रंग, मॉडल, नंबर कुछ याद है? हाँ, वो एक वाइट सेडान थी लेकिन नंबर याद नहीं है। उन दोनों को एग्जैक्टली आपने किस रोड पर देखा था? गोरबंदर रोड, नर्सरी के पास। हाँ फ्रेडी, बता। अभिजीत सर, मुझे यहाँ चेंजिंग रूम के दरवाजे पे खून मिला है। खून? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिपाशा जी को हाथापाई के दौरान चोट लगी हो? बिपाशा जी, आपको कहीं चोट लगी है क्या? नहीं तो। एक्चुअली दरवाजे पे हमें खून मिला है। वो शायद उस हमलावर का हो। फ्रेडी, उस खून का सैंपल ले लो और फॉरेंसिक भेज दो। वो खून शायद उस हमलावर का ही है। तुम्हारी गाड़ी यहीं पर रुकी थी? जी साहब। फिर क्या हुआ? साहब काफी अंधेरा था। हाँ। मैं तो गाड़ी रोकता नहीं पर बिपाशा मैम के कहने पर रुकना पड़ा। वो दोनों कहाँ पे थे? साहब यहीं पे खड़े थे, यहाँ पे। वहाँ? जी। चलो दिखाओ। कहाँ पर? साहब यहाँ खड़े थे। यहाँ पर? जी। इंजन में लगता है सर, लगता है गाड़ी खराब थी। गाड़ी खराब थी क्या? जी सर। तो फिर उन लोगों ने गाड़ी किसी भी तरह से यहाँ से हटाई हो, लेकर गए होंगे वो। सर ये रास्ता काफी सुनसान लगता है, हो सकता है आसपास से कोई मैकेनिक आया हो। हाँ, पर भी हो सकता है, या फिर कोई टोइंग वैन मंगवाई हो गाड़ी ले जाने के लिए। एक काम करो, पता लगाओ आसपास कोई गैराज या फिर ऑटोमोबाइल मैकेनिक या फिर टोइंग वैन वाला है क्या।
सर्कल टोइंग वैन ने घोड़बंदर रोड से एक सफेद रंग की सेडान कार को उठाया था। कहाँ है गाड़ी? सर ये रही। नंबर प्लेट्स गायब है। काम करो, तुम और पूर्वी गाड़ी को अंदर से बाहर से अच्छी तरह से चेक करो। एक बात बताओ, टोइंग वाले के साथ और भी कोई आया था? एक आदमी था सर। वो आदमी दिखने में कैसा था? लंबा था, काफी बड़ी टोपी पहने हुए था और काला चश्मा में। अच्छा, शक्ल तो देखी होगी ना उसकी? सर उसकी टोपी इतनी बड़ी थी और चश्मा भी कि पहचान नहीं पाया। रात में टोपी और चश्मा, चेहरा छुपा रहा था सर। हाँ, एक बात बताओ, ये गाड़ी जब स्क्रैप करने के लिए तुम्हारे पास आती है तो उसके पेपर्स वगैरह चेक किए थे तुमने? सर 11,000 उसके ऑनर से आते हैं, इसलिए जरूरत महसूस नहीं होगी। जरूरत महसूस नहीं पड़ी है? गाड़ी के पेपर चेक नहीं किए? आरटीओ को इन्फॉर्म करना पड़ता है, आरटीओ की परमिशन लेनी पड़ती है, ये सब कुछ भी नहीं किया तुमने? इस तरह से काम करते हो तुम? गलती हो गई। गलती नहीं, जुर्म किया है तुमने, समझे? सॉरी सर गलती हो गई। सर गाड़ी में पेपर नहीं है और केसी नंबर भी फुरज के निकाल दिया गया है। ये लो, पेपर्स नहीं, केसी नंबर नहीं। सर, आप पूर्वी? सर अंदर ये टिश्यू पेपर मिला है, इस पर किसी होटल का नाम लिखा, होटल ग्रीन पैलेस। आप इस होटल के मैनेजर? यस सर। देखिए, हम लोग CID से, इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी आपके होटल के किसी गेस्ट की है, क्या आप जानते हैं इस गाड़ी के बारे में? ये गाड़ी तो हमारे गेस्ट मिस्टर आनंद की है, क्या हुआ सर ये? एक्चुअली हमें आनंद के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ सर, पूछिए। आनंद जी पिछली बार आपके होटल में कब ठहरे थे? सर अभी 2 दिन पहले तो उन्होंने यहाँ से चेकआउट किया है। अच्छा, आनंद जी की कोई फोटो या आईडी वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ सर, उनका फोटो आईडी है हमारे पास, वो गेस्ट की लिस्ट देना। ये रही सर मिस्टर आनंद की डिटेल। सर बिपाशा जी ने जो स्केच बनवाया था और इस फोटो में तो बहुत फर्क है सर। अच्छा, चेकआउट के बाद ये आनंद कहाँ गए हैं, उन्होंने कुछ बताया आपको, कोई खबर है इस बारे में? नहीं सर, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आनंद जी जब आपके होटल में ठहरे थे वो कमरा हमें चेक करना है उनका। हाँ सर, आप लोग कमरा देख सकते हैं लेकिन वहाँ आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर हमने उस कमरे की सफाई करके किसी दूसरे गेस्ट को दे दिया। अच्छा, आनंद के कमरे को कौन सर्विस दे रहा था आपका स्टाफ मेंबर? जरा उसे बुलाइए। रौनक, आनंद जी के बारे में क्या जानते हो? आनंद साहब बहुत बड़े दिल वाले हैं, जब उनका बैग उनके गाड़ी के पास ले गया तो उन्होंने मुझे 200 रुपए की टिप दी, पूरे 200 रुपए की। अच्छा, 200 रुपए की टिप? हाँ सर। यहाँ से होटल से चेकआउट करने के बाद वो कहाँ गए? नहीं साहब, नहीं मालूम। चलो, कभी आनंद जी को किसी के साथ फोन पर बात करते हुए सुना है? नहीं साहब। याद करो, शायद कुछ सुना होगा। याद करो। हाँ साहब, और बाहर निकलने के बाद जब उन्होंने मुझे पैसा दिया तो उनके पास 2 लोग आए। अच्छा, क्या वो 2 लोग कुछ ऐसे दिखते थे? नहीं साहब, ये ऐसे नहीं दिखते थे। तो फिर कैसे दिखते थे? आनंद साहब क्या काम करने वाले लग रहे थे। क्या क्या बातें हो रही थी इन तीनों के बीच में? आनंद साहब एक नक्शा दिखाकर बोले कि इस मंदिर के पास जल्दी जाना है। मंदिर के पास जल्दी जाना है क्या ये चक्कर इस मंदिर का? कौन सा मंदिर है ये, पता लगाना पड़ेगा। एक काम करो, 2 दिन पहले आनंद जी का फोन रात को कहां पर था ये ट्रेस करो। सर आनंद का फोन 2 दिन पहले इसी एरिया में ट्रैक किया गया है,
और तब से उसका फोन बंद आ रहा है। कर क्या रहा था वो यहाँ जंगल में? और सर विभाषा जी ने जिन दो लोगों को घोड़बंदर रोड पे बात करते हुए सुना था, रोड भी यहीं पास में है सर। अच्छा हाँ, वो दो जन जी पास वाले रोड पे बात कर रहे थे। इन दोनों चीजों का कोई ना कोई संबंध जरूर है, जरूर है संबंध। देखो जरा अच्छी तरह से। हाँ सर, अनिकेत दरियामुखी जमीन से काफी नरम और मुलायम है। हाँ लगता है हाल ही में खुदाई की गई है यहाँ। सर हाँ खाविन, सर यहाँ पे जमीन खुदी हुई लग रही है, लगता है हाल ही में खोदी गई है। जमीन थोड़ी ऊंची भी है, अलग सी लग रही है। अच्छा काम करते हैं, दोनों जगह खोदते हैं, देखते हैं क्या छुपा है जमीन के नीचे। अरे वाह सर, आनंद का घर काफी अमीर आदमी का लग रहा है। और मुजरिम भी है। कौन है तुम? आनंद कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। चोरी करने आए? मैं चोर नहीं, पुलिस वाला हूँ। मेरा आईडी कार्ड। सर इंस्पेक्टर विशाल जी, आप लोग कौन है? सीआईडी मुंबई। सर तो इंस्पेक्टर विशाल यहाँ क्या करने आए थे, क्या चल रहा है यहाँ पे? सर मैं उन दो अपराधियों की तलाश में आया हूँ जिन्हें आनंद ने चोरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उनकी फोटो है तुम्हारे पास? नहीं सर, वो दोनों अपना भेष बदल कर अलग अलग शहरों में लूटपाट और खून खराबा करते हैं। कुछ मिला आपको यहाँ? नहीं सर, मैं ढूंढना शुरू ही किया था कि आप लोग आ गए। ठीक है, छान मारो पूरा घर। माय गॉड, मैं तो दूल्हा से। सर सब जगह देख लिया, कुछ नहीं मिला। हाँ सर, ऐसा लगता है जैसे आनंद ने अपने पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं है। कमाल है। क्या फेरी, ये पेड़ जमीन से ऊपर की तरफ उगते हैं कि नीचे की तरफ? क्या बात कर रहे हो सर, पेड़ तो जमीन के ऊपर उगते हैं ना। हाँ वही मुझे भी लगा, लेकिन इस पेंटिंग में पेड़ नीचे की तरफ है। अरे हाँ, अरे पेंटिंग उल्टी लगी है यार, और क्या। ये देखिए पैराडाइज आर्ट गैलरी का ब्लूप्रिंट। ये सब आर्टिफैक्ट्स की फोटोग्राफ है।
सर ये आर्टिफैक्ट, सर इसे तो कुछ दिन पहले सिटी म्यूजियम से चोरी किया गया था। सर इसकी कीमत तो करोड़ों में है। तो ये आनंद उन दोनों मुजरिमों से आर्टिफैक्ट से चोरी कराता है और कहीं बेचता है? जी सर। अच्छा सर, इस पे कुछ लिखा है सर? 1500001 केलवा। एक मिनट निकल, रुक जा। दो दो लाशें हैं सर। ये तो आनंद है। डॉक्टर साहब, इन बॉडी से कुछ पता चला? हाँ काविन, इन तीन लोगों को तो गोली से मारा गया, लेकिन ये चौथा, ये आनंद, इसकी कहानी कुछ अलग है। हाँ सर, इसके तो चेहरे और सर पे चोट के निशान थे। बिल्कुल पूर्वी, इसके सर पर दो चोट के निशान हैं, दो अलग अलग किस्म की चोट के निशान। ये देखो, ये निशान किसी भारी वजनदार चीज की वार से हुआ है और इसकी वजह से इसकी खोपड़ी टूट गई। वो देखो। और ये जो दूसरा घाव जो इसके सर के अंदर तक हुआ है, वो किसी नुकीली चीज से किया गया, शायद किसी कुल्हाड़ी से। इसका मतलब आनंद के सर पे दो अलग अलग हथियारों से वार किया गया। राइट शे, दो अलग अलग हथियारों से वार एक ही वक्त पे। इसका मतलब हो सकता है वार करने वाले भी दो अलग अलग लोग हों। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर खूनी इन तीनों को गोली से मार सकता था तो आनंद को, सर आनंद को इस तरह मारने की वजह टॉर्चर तो नहीं है? इसका मतलब एक बात तो तय है सर, कि आनंद की इन दोनों हमलावरों से कोई गहरी दुश्मनी होगी, वरना कोई किसी को इतना दर्द देकर क्यों मारेगा इतनी बेरहमी से। सर उस बेलबॉय ने इन दो आदमियों को पहचान लिया था, ये आनंद के साथ ही थे, और ये चौथा आदमी शायद इन लोगों से मिलने जंगल में गया था किसी काम से। और इतना ही नहीं सर, उन्होंने आनंद को मारा और उसकी गाड़ी भी लेके भाग गए। अच्छा, जिम के चेंजिंग रूम में जो खून मिला था उससे कुछ पता चला? नहीं काविन, वो सैंपल्स हमारे रिकॉर्ड में किसी से मैच नहीं होते। लेकिन बिपाशा को जिस आदमी ने मारा था, जिसने हमला किया था, उसे एक खास किस्म की बीमारी है जो हमारे देश में बहुत कम गिने चुने लोगों को होती है। कौन सी बीमारी सर? इस बीमारी का नाम है वाइटलाइटिस। सर इस बीमारी में क्या होता है? शायद इस बीमारी में इंसान की मसल्स में एक अजीब किस्म का डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, उसकी मसल्स लूज पड़ने लगती है, कहीं भी किसी भी जगह अचानक उसकी मसल्स में झटका आना शुरू हो जाता है। और इस बीमारी को पूरी तरह ठीक करने का इलाज अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन इस बीमारी के असर को कम करने का इलाज जरूर है, और वो इलाज हमारे शहर में सिर्फ दो अस्पतालों में होता है। फिर तो इन दोनों हॉस्पिटल्स में जाकर चेक करना पड़ेगा, हो ना हो ये हमलावर वहां अपना इलाज कराने जरूर आता होगा। सर ये भुवन नाम का आदमी सिटी हॉस्पिटल में विटालिसिस का इलाज करवा रहा है, और जैसा कि विपासा ने बताया था कि हमला करने वाले की कदकाठी कैसी है, इसकी कदकाठी भी बिल्कुल वैसी है। और सबसे खास बात, पैसे की कमी होने के कारण कुछ महीने पहले अपने इलाज रुकवा दिया था इसने, लेकिन अचानक पता नहीं कहां से पैसा आ गया कि फिर इलाज शुरू कर दिया। किसी ने फोन को पैसे दिए थे विपासा पर हमला करने के। लगता सर उसे हमारे आने की खबर मिल गई थी, इसलिए शायद वो निकल गया। रो पागल, हाँ
सब मुझे क्यों पकड़ा? क्या किया मैंने? विपाशा पे हमला किया तुमने, उसे जान से मारने की कोशिश की। बोल क्यों मारना चाहता था उसे, जल्दी बता। हाँ। मैंने कुछ नहीं किया सर। बताता हूँ सब, बताता हूँ। बता। साहब मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, उन दोनों ने मुझे कहा विपाशा पर हमला करने के लिए सर। इस वक्त वो दोनों कहाँ मिलेंगे? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, कुछ नहीं पता था मुझे उनके बारे में। जिनके लिए काम करता है उनके बारे में कुछ नहीं जानता तू? सच कह रहा साहब, दो बार वो मुझसे मिले और दोनों बार उनके चेहरे ढके हुए थे साहब, छिपा के रखे हुए थे उन्होंने। तू ऐसे बच नहीं सकता, का नाम फोन नंबर या पता कुछ तो बताना पड़ेगा, वरना हम तेरी क्या हालत करेंगे ये सोच भी नहीं सकता। समझा? काम में सच कह रहा हूँ साहब। सर सर बताऊंगा, हमें से एक नाम छिपा। और बता। पिछली बार जब वो लोग मिले थे साहब तो दोनों बात कर रहे थे कि अब बच्चों तक पैसे कैसे भेजे। बच्चों के पास पैसा? भला ये मुजरिम बच्चों के पास पैसा ले जाने की टेंशन क्यों लेंगे सर? सर ये किन बच्चों की बात कर रहे थे दोनों, मतलब इनके जान पहचान वाले या वो स्कूल के बच्चे? ये किसी अनाथ आश्रम के बच्चे हैं। अनाथ आश्रम? हाँ, आनंद के घर से हमें चिट्ठी मिली थी जिसपे लिखा था केलवा 15001। केलवा ऑफनेज, शहर का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम। लेकिन सर ऐसे मुजरिमों का किसी अनाथ आश्रम से क्या लेने देना? इस केलवे अनाथ आश्रम से क्या संबंध है ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। मुजरिम इंस्पेक्टर दया, ये मासूम बच्चों का अनाथ आश्रम है, यहाँ पे कोई मुजरिम नहीं रहते हैं। माफ कीजिएगा मैम, एक केस के जांच ने हमें यहाँ तक लाया है, हम सिर्फ ये जानने चाहते हैं कि आपके ऑर्फनेज में ये चीका कौन है? चीका? हाँ, एक बच्चा रहता था यहाँ पे चीका नाम का, लेकिन 10 साल हो गए उसको ये अनाथ आश्रम छोड़कर गए हुए। अच्छा, 10 साल पहले आश्रम छोड़कर चला गया था। अच्छा, इस चीका के बारे में और कुछ बता सकती हैं आप हमें? जी हाँ, उसका नाम मोहन था, बहुत ही प्यारा बच्चा था और हम सब उसको प्यार से चीका बुलाते थे। सबका बहुत ध्यान रखता था, हंसाता था, खिलाता था, लेकिन एक दिन अचानक कहाँ गायब हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। आपने उनके गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई? हाँ लिखाई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अब तो वो काफी बड़ा भी हो गया होगा, मेरा दिल नहीं मानता कि वो मुजरिम हो सकता है। अब वो मुजरिम है या नहीं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ ऑर्फनेज में उसका कोई दोस्त या कोई करीबी है जिसके संपर्क में है वो अभी भी? हाँ, उसका एक दोस्त था शेखर, लेकिन वो भी कुछ महीने बाद अनाथ आश्रम छोड़कर चला गया और एक चिट्ठी लिखकर रख गया था जिसमें लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। सर हो सकता है ये शेखर ही मोहन का पार्टनर, मेरा मतलब है चीका का पार्टनर। अच्छा, चीका और शेखर का कुछ सामान है यहाँ पे? और चीका का भाई? हाँ, ये चीका का है। इसमें कपड़े और खिलौने के अलावा कुछ नहीं मिला? हाँ सर, इनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे शेखर और मोहन के बारे में पता चल सके। एनीवेज थैंक यू। ये क्या लगा तुम्हें, फोन कैसे है?
वो कुछ नहीं, एक छोटी सी चोट लगी थी सर। यही सवाल मैं इससे पूछ रही हूँ, पर ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। जल्दी बताओ रमेश, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो बस ऐसे छोटी सी चोट लग गई थी सर। दो दिन पहले जब ये रात को बाहर से आया था तो इसके हाथ से खून बह रहा था, पर इसने कुछ जवाब नहीं दिया सर। बिपाशा जी ने दो दिन पहले रात को जिस आदमी को देखा था उसके हाथ पे भी चोट का निशान था। हाँ सर, ये केलवा अनाथ आश्रम और इसके हाथ पे लगी चोट, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमारी इतनी मदद की। लगता है हम लोग गलत थे। और हाँ, थैंक यू चिका। ओके सर। गंदे दे इधर। क्या क्या तुमने इसे गोली क्यों मारी? सर अगर मैं इसे गोली नहीं मारता तो सचिन सर को गोली मार देता। अरे तो इसके पैर पे गोली चला था। सर मुझे जो समझ में आया वो मैंने किया सर। सर ये मोहन तो चला गया, अब कैसे पता चलेगा कि शेखर कौन है और कहाँ है, इसका पार्टनर।
भाई। हाय क्या फिल्म बनाई है मैम, अच्छी लगी तुम्हें? रियली सुपर हिट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। चलो क्या वर्कआउट हो गया आपका? हाँ हो गया, कुछ अर्जेंट काम है तो मैं निकलती हूँ। ओके ओके बाय। ओके बाय बाय, टेक केयर। मारना चाहता था विपाशा को तू? सर अगर मैंने उसे नहीं मारा तो सर वो लोग मुझे मार देंगे सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, सर मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए सर। मैं एक मिनट, एक मिनट, ये बॉम्ब तो नकली है, कागज पे लिखा है सर 12:30। मतलब खूनी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया, और इस आदमी को भेजा था हमें उलझाने के लिए। सर विपाशा जी की जान अभी भी खतरे में। क्या हुआ आशा जी? और इसे क्या हुआ? किसी ने इस पे हमला किया है। एक काम करते हैं, हम इसे अंदर लेके जाते हैं, क्या पता हमलावर इधर ही हो कहीं पे। हाँ चलो। मैं सियारी को फोन करती हूँ। खूनी कोई औरत भी तो हो सकती है। लोगों ने मेरी जान बचा ली। थैंक यू, तो हमें आपको बोलना है, आपने एक मुजरिम को पकड़वाने में हमारी मदद की है। सीआईडी की मदद करना तो हर नागरिक का कर्तव्य है, और आपकी टीम तो इतनी अलर्ट और जिम्मेदार है। विपाशा जी, आपकी आने वाली फिल्म क्रीचर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी फिल्म हिट हो और लोगों को पसंद आए। थैंक यू सो मच। हम सब लोग आ रहे हैं देखने के लिए। जरूर, थैंक यू सो मच। क्यों? वो खबर तो हमने जानबूझकर फैलाई थी कि विपाशा को उसके ऊपर जिसने हमला किया था उसके बारे में बहुत कुछ याद आ गया है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री विपाशा को अपने ऊपर हमला करने वाले के बारे में कुछ खास बातें याद है। सीआईडी की टीम हिप्नोटाइज करने वाले विशेषज्ञ की मदद से उन्हें पूरी बातें याद दिलाने की योजना बना रही है, जिससे वो अपराधी तक पहुँच सके। इतना बड़ा धोखा। हाँ इतना बड़ा धोखा। तुम्हें क्या लगा धोखाधड़ी जालसाजी सिर्फ तुम ही कर सकती हो? हमें पता था कि मोहन का पार्टनर हमारे इस जाल में फंस जाएगा, वो जरूर वापस आएगा विपाशा को मारने के लिए। वो पार्टनर है तुम, है ना? हाँ, मैं और मोहन बचपन से साथ साथ बड़े हुए, हम दोनों एक ही साथ अनाथ आश्रम में पले बढ़े,
अनाथ आश्रम में सात सात बड़े हो गए और किया क्या, गैर कानूनी धंधे। अपनी पहचान तक छुपा ली तुमने, आदमी बनकर लूटपाट और खून भी किए। हम दोनों भेष बदलने में माहिर थे, कोई नहीं जान पाया कि मैं लड़की हूँ। और फिर तुम दोनों ने आनंद और उसके साथियों को मारकर उनके पैसे और आर्टिफैक्ट्स चुरा लिए और बड़ी आसानी से उन आर्टिफैक्ट्स की डील प्लान कर ली। हाँ, वो आर्टिफैक्ट्स हमने चुराए थे आनंद के लिए, उसके बदले में उसने हमें आधे पैसे दिए और बाकी के आधे पैसे वो अनाथ आश्रम में देने वाला था, लेकिन वो मुकर गया। तो तुमने उसे मार दिया, आनंद को भी और उसके साथियों को भी। हाँ। लूटना, लोगों की जाने लेना, चार चार खून किए तुमने, ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए खेल बन गया था, है ना? तो अब जेल की सलाखों के पीछे खेल खेलते बैठना, दिन गिनने का, फांसी का ऑर्डर आने तक। ये लो, आ गई मेरी प्यारी बेटी और हमारी होने वाली बहू। आओ बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाय सिद्धार्थ। हेलो। नमस्ते आंटी जी। अरे बेटी, भला कोई ऐसे नमस्ते करता है अपने होने वाली सास को? जाओ, पैर छूकर उनके आशीर्वाद ले लो, जाओ। अरे अरे ठीक है बेटा, तुम अभी भी ड्यूटी से आई हो ना, थक गई होगी, तुम जाओ मुंह हाथ धो के आओ। ये सब हमने तुम्हारी और सिद्धार्थ की सगाई का दिन तय कर दिया है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.